हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उसके बारे में 6 क्वेश्चन तक किया था। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और वो है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? मैंने बताया था ना विच का मीनिंग क्या होता है, विच का मीनिंग कौन सा। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो एवरेस्ट। तो हम इधर आंसर में क्या लिखेंगे? एवरेस्ट। पहला लेटर कैसा करेंगे? कैपिटल ई वी ई आर ई एस टी, एवरेस्ट। फिर इधर क्वेश्चन में से देख के पूरे का पूरा हम लिख लेंगे। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पीछे फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? वॉट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री? वॉट, वॉट यानी कि क्या, वॉट यानी कि क्या। तो वॉट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री का नाम क्या है? क्या है हमारे कंट्री का नाम? यस, वेरी गुड, इंडिया। तो हम क्या लिखेंगे अब इधर? इधर हम लिखेंगे व्हाट, उसके बदले हम क्या लिखेंगे? इंडिया। ऐसा करेंगे नहीं, पहले अब हम लिखेंगे सीधा क्वेश्चन इधर से। ये द नेम ऑफ अवर कंट्री, कंट्री इज, ओके। पहले हम ये लिखेंगे इधर से पूरा, द नेम ऑफ अवर कंट्री, बाद में लिखेंगे इज, और लास्ट में लिखेंगे इंडिया। इंडिया का आई कैसा करेंगे? कैपिटल, ओके। इन विच स्टैंडर्ड आर यू? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? आप इन विच यानी कि कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो सेकंड स्टैंडर्ड में हो, तो आंसर में भी इधर लिखा है इन द सेकंड स्टैंडर्ड, यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में। तो इन विच स्टैंडर्ड आर यू? तो हम लिखेंगे आई एम। आर यू आपको पूछ रहे हैं ना कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आंसर कौन दे रहे हो? आप दे रहे हो, तो आप लिखोगे आई एम, फिर ये पूरा आंसर, आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड, ओके। ये विच वाला जो है वो हम उसको नहीं लिखते हैं ना, क्वेश्चन वाला वर्ड आंसर में नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम, वो आपको पूछ रहे हैं तो हम पहले ये लिखेंगे हम, यानी कि आई एम, है ना। हम आपको पूछ रहे हैं तो आप, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आप बोलोगे ना कि आई एम करके बोलने की शुरुआत करोगे ना, आप आई एम करके बोलने की शुरुआत करोगे, तो वैसे ही आई एम इन द सेकंड स्टैंडर्ड, फिर पीछे फुल स्टॉप। व्हाट कलर इज द क्रो? क्रो जो है उसका कलर क्या है? क्रो का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है ना, तो हम लिखेंगे द
फिर लिखेंगे कलर ऑफ द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक. व्हाट कलर इज द क्रो? द कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक. ओके, उसके बाद है पीछे फुल स्टॉप. उसके बाद है 11. हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन? हु यानी कि कौन, हु यानी कि कौन हमारे नेशन के यानी कि हमारे देश के फादर कौन हैं? तो इधर आंसर में है महात्मा गांधी. तो इधर पहले के जैसे ही हु के बदले हम क्या लिख देंगे? महात्मा गांधी. एम बी कैपिटल, जी बी कैपिटल, तो महात्मा गांधी. फिर इधर पूरा का पूरा क्वेश्चन में से देख के महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ अवर नेशन. ओके, उसके बाद पीछे फुल स्टॉप. 12 नंबर, वेयर इज द ताजमहल? वेयर यानी कि कहाँ, वेयर यानी कि कहाँ. तो ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? तो आंसर है इन आगरा. तो हम इधर क्वेश्चन में से लिखेंगे द ताजमहल, द ताज का टी कैपिटल और महल का एम बी कैपिटल. ओके, टी और एम कैपिटल. द ताजमहल इज इन आगरा का ए कैपिटल. आगरा का ए क्या करेंगे? कैपिटल. वो एक सिटी है और पीछे फुल स्टॉप. उसके बाद लास्ट, वेयर इज द रेड फोर्ट? वेयर आ गया ना, वेयर, वेयर यानी कि कहाँ. तो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला. रेड फोर्ट यानी कि लाल किला. तो रेड फोर्ट कहाँ है? इन दिल्ली. तो हम इधर से ही लिखेंगे पहले स्टार्ट, द से करेंगे. द रेड का आर कैपिटल और फोर्ट का एफ बी कैपिटल. द रेड फोर्ट इज, फिर ये आंसर देखिए, इज इन दिल्ली. डी का डी कैपिटल, पीछे फुल स्टॉप. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज. इसमें बीच में कुछ ये दो तीन जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो थोड़े हमको और थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके लिखने पड़ते हैं, तो वो आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे. वो कौन कौन से हैं? इधर से एक ये 8 वाला, ये 9 वाला एंड ये 10 वाला, है ना. इधर के थोड़े डिफरेंट होंगे लिखने में. इधर तो बस विच के बदले लिख दो और पूरा, बीच के बदले लिख देते हैं तो पूरा क्वेश्चन में से देख के हम लिख सकते हैं. इधर वैसा ही है पर थोड़ा सोच कर लिखना होगा. और हमने कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड देखे? विच, फिर व्हाट, हु, वेयर. कौन कौन से क्वेश्चन देखे हमने? विच, फिर व्हाट, फिर हु और लास्ट में वेयर. इतने क्वेश्चन हमने देखे. ओके, विच यानी कि कौन सा, व्हाट मतलब कि क्या, हु कौन
और वेर कहाँ। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें ही लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।